ओम शांति। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाए। साक्षीपन की सीट पर बैठकर ड्रामा की हर सीन को देखते हुए अब यही स्मृति की ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। ड्रामा में जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। मन में कभी भी क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न नहीं। संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा भी कल्याणकारी है तो सब कल्याणकारी है। चाहे बाह्य रूप से नुकसान भी दिखाई देता हो लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। सदा यही निश्चय की जब बाबा का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। माया व प्रकृति द्वारा जो भी पेपर सामने आए उसमें क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं। कुछ भी होता है होने दो। बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन हम न बदले। बाबा पर और ड्रामा पर अटल निश्चय।
कभी भी माया से परेशान नहीं। कभी भी वातावरण से, लौकिक परिवार वालों से, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से परेशान नहीं। सदा अपनी शान की सीट पर, साक्षीपन की सीट पर स्थित, ये साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस शान की सीट पर स्थित होने से परेशानी खत्म। कभी भी कोई बात में परेशान नहीं। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान हो नहीं सकते। संकल्प में भी परेशान नहीं। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं सदा संतुष्ट हूं। मैं संतोषी आत्मा हूं। इस संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। मुझ संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति अब ऐसे अनुभव होती है जैसे पपेट शो हो। कठपुतली का खेल हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, सदा यही अनुभव कि जैसे बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है, माया व प्रकृति का ये एक शो है। संतुष्टता के स्वरूप में, साक्षी स्थिति में स्थित होकर
अपनी शान में रहते हुए बस पपेट शो देखते रहे। कार्टून शो देखते रहे। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाला मैं संतोषी आत्मा हूं। ओम शांति।